How are you, beta? Take out your drawing practice copy. Take out your drawing practice copy. First prepared page. Draw outlines. Write CL number, subject drawing, classwork and date. Write topic. फिर आते हैं बेटा डायग्राम की तरफ. डायग्राम की तरफ. डायग्राम हमारा है केमिस्ट्री का. नेक्स्ट डायग्राम हमारा है केमिस्ट्री का वुल्फ्स बॉटल. वुल्फ्स W O U L डबल एफ. वुल्फ्स WOUL FF. वुल्फ्स बॉटल BOBOTTLE. वुल्फ्स बॉटल. बॉटल तो आपको पता है बेटा किसे कहते हैं. हम WOULFE भी राइट कर सकते हैं. A wolf's bottle is a specialized vessel बर्तन को कहते हैं किसी भी किस्म. With two or three outlets and is designed for specific applications. These items have been around since at least the 18th century when chemist Peter Wolf described using a vessel with two outlets while conducting a series of experiment. Wolf's bottle जो है बेटा lab apparatus है. ठीक है बेटा लेबोरेटरी का सामान है. हम ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं. ठीक है बेटा ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम वुल्फ्स बॉटल यूज करते हैं. ठीक है वुल्फ्स बॉटल में क्या खास बात है. वुल्फ्स बॉटल में बेटा ये बात है कि इसके टू ओपनिंग्स हैं. जब हम कोई गैस वगैरह प्रिपेयर करते हैं ठीक है और हम एट अ टाइम वुल्फ्स बॉटल में टू गैसेस इंटर करने का एक ही टाइम में इंटर करना हो तो हम वुल्फ्स बॉटल यूज करते हैं. ठीक है बेटा इसका शेप की तरफ आए इस तरह लाइन लेकर आए फिर इस तरह लाइन लेकर आए. ठीक है बेटा मैं थोड़ा सा नीचे स्टार्ट करती हूँ क्योंकि फिर इसकी जो ओपनिंग है वो क्लियर नहीं आएगी. क्लियर यहां पर आते हैं इस तरह. डायग्राम्स बहुत स्मॉल नहीं बनाना बेटा ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा. अब मैं जिस तरह हमने पीछे डायग्राम में ड्रॉ किया है बीकर उसकी तरह लाइन यहां पर लेकर आएंगे और यहां से लाइन लेकर आएंगे यहां तक. क्लियर. अब यहां से हम नीचे टर्न करेंगे इस तरह. क्लियर बेटा. अब इसमें हमने क्या करना है. अब इसमें हमने यहां पर लाइन इस तरह लेकर जाना है और फिर इस रूलर के मुताबिक इस तरह. ठीक है बेटा यहाँ से इस तरह यहाँ से इस तरह ये टर्न करूँगी इस तरह और यहाँ से इस तरह. क्लियर. दूसरा मैं यहाँ पर इस साइड पे करूँगी यहाँ इस तरह और इसी रूलर जितना यहाँ से इस तरह नीचे से मैं इस तरह लेकर आऊँगी और फिर यहाँ से ये देखे बेटा ये वुल्फ्स बॉटल का शेप है. क्लियर. ये वुल्फ्स बॉटल डायग्राम का शेप है. यहाँ तक ड्रॉ करते जाए. अब इसमें आते हैं शेडिंग की तरफ. अब इसमें आते हैं शेडिंग की तरफ.
अब इसमें आते हैं वुड्स बोटल भी लैब अपरेटस है बेटा। ये हम केमिस्ट्री के डायग्राम्स ड्रॉ कर रहे हैं अभी तक। केमिस्ट्री के डायग्राम लैब अपरेटस है जो हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, तजुर्बे को, ठीक है। अब आते हैं हम इसमें शेडिंग की तरफ। पहले मैं यहां से इसकी शेडिंग लाइट लाइट इसमें करूंगी, यहां से लाइट लाइट शेडिंग इसमें करूंगी, क्लियर। फिर आउटलाइन को मैं डार्क करूंगी और फिर यहां से इसमें, यहां से इसमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन शेडिंग, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करनी बेटा, पेंसिल को लाइट यूज करना है। और शेडिंग करते वक्त आउटलाइन जो है, लाइन जो है उस पे आप लोगों ने रूलर रखना है, क्लियर। अब यहां से शेडिंग की तरफ आए, आप दोनों साइड में भी शेडिंग कर सकते हैं। आते हैं उस बोतल की तरफ। वुल्फ समटाइम्स स्पेल्ड वुल्फ WOULFE भी हम राइट कर सकते हैं। अ वुल्फ बोतल BOTTLE बोतल is a specialized vessel 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 with two or three outlets, ठीक है बेटा। टू भी हो सकते हैं, थ्री outlets and is designed for specific applications, clear beta। A wolf's bottle is a specialized vessel, किसी भी vessel बर्तन वगैरह को कहते हैं, with two or three outlets, जिसके two या three opening हो सकती है outlets and is designed for specific applications। और ये बेटा outlets, a wolf's bottle is a specialized vessel with two or three outlets and is designed for specific applications। These items have been around since at least 18th century, when chemist Peter Wolff described using a vessel with two outlets while conducting a series of experiments। Clear beta, Wolff bottle is a specialized vessel
with two or three outlets and is designed for specific applications.